शुरू में तो ये था भी ये कीड़े कमच पे गए हो यार, मतलब राजनीति तो वही थी ना कि फालतू का काम थी, या इसको गलत नजर से देखते थे। तो मेरी तब तक तो इमेज ठीक थी, यार ये मेहनती लड़का है, ये हमने देखा है बचपन से, अपना मेहनत करके इसने काम धंधा सेट करा है। तो तब उनको बड़े सारे लोग टोकते थे, यार ये कहाँ इलेक्शन विलेक्शन के चक्कर में पड़ गए तुम, यहाँ तो बिना शराब बांटे बिना पैसे बांटे कोई जीत ही नहीं सकता, तुम क्या समझा रहे हो। और कई पॉलिटिकल लोग होते थे वो मजाक भी उड़ाते थे, ये आ गए हैं जी कहते हैं इलेक्शन लड़ेंगे कल के बच्चे। दिल्ली के लोगों ने जो मिसाल सेट की ना, ये इंडिया की राजनीति की दिशा बदलेगी। दिल्ली की हम बात करते हैं, केजरीवाल की मॉडल की बात करते हैं, तो केजरीवाल मॉडल सिर्फ ये फ्री बिजली, फ्री पानी, सीसीटीवी कैमरा, अच्छे सरकारी स्कूल, अच्छे सरकारी हॉस्पिटल, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। केजरीवाल मॉडल को अगर आपने शब्दों में अगर संजोना हो, वैसे तो मुश्किल काम है, पर मेरे को ये लगता है कि अपने वादों को पूरा करना, ये केजरीवाल मॉडल। जब दिल्ली गवर्नमेंट का 5 साल का काम देखा, ऐसे ऐसे काम देखे जो मतलब लोगों ने सपने में भी नहीं सोचे थे, वो केजरीवाल साहब की सरकार ने करके दिखाए। तो अब बड़ी एक्साइटमेंट है पंजाब के लोगों ने भी, इस बार ही इनको ज़रूर चुनना है। पंजाब में एक सपोर्ट बेस बहुत बढ़िया बन चुका है, मेरे को लगता है 2022 में जो चुनाव होने हैं अपनी वहाँ पर सरकार बनेगी और पंजाब फिर से खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ਾਲਿਨ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਆਪਕੇ? ਉਹ ਜੀ ਵਧੀਆ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਆਪ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਇਤਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਬ ਲੋਗ ਦੇਖੇਂਗੇ ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਗੋ ਕੋ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਹਮ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ। ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਇੱਕ USP ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੇ ਔਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕੋ ਦੇਖਤੇ ਹੋਏ ਚੁਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੋ ਸਭ ਕੋ ਨਸੀਬ ਹੋ ਇਤਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋ। ਆਪਕੇ ਚਿਹਰੇ ਪੇ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਰਹਤੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਸਕਾ ਕਿਆ ਰਾਜ਼ ਹੈ? देखो जी, बहुत कुछ ज़िंदगी में एक्सपीरियंस लिए, जितने भी लिए, तो भी मैंने तो कुल मिला के 3 चीज़ें ज़िंदगी में उसूल बना ली हैं, कोशिश करता हूँ उनमें। सबसे पहला भी खुश रहना है। अच्छा। दूसरा है फिट रहना है। तीसरा है जितना हो सके लोगों के काम आना है। कुल मिला के मैंने तो ये 3 अपनी ज़िंदगी के मंत्र सेट कर लिए हैं। बहुत बढ़िया। और कोशिश करते हैं, परमेश्वर की पूरी कृपा है, आशीर्वाद है उनका। गुरुद्वारे जाना होता है? हाँ, गुरुद्वारे मैं बचपन से ही जा रहा हूँ, लगातार जा रहा हूँ, हर दिन का मेरा नियम है। पर इसको क्या कहें कि अब पीछे जो लॉकडाउन हुआ तो बचपन से लेके अब तक का नियम मेरा लॉकडाउन के बीच में आके टूटा, और फिर अब जैसे हम देख रहे हैं चीज़ें पटरी पे आना शुरू हो गई, तो फिर से रूटीन बन गया, नियम बन गया। जब पंजाब होते हो तब गुरुद्वारे तो आजकल सब जगह है, मतलब नियम नहीं टूटता। हाँ, नियम नहीं टूटता, और कभी हो भी जाए तो मैं कोई इतना उस टाइप का नहीं, मुझे नियम टूट गया पता नहीं क्या हो गया। जो कर रहे हैं परमेश्वर की रजा में कर रहे हैं, कहते हैं जी एक पत्ता भी उनकी मर्जी के बिना नहीं हिलता, तो ठीक है कभी मिस हो भी जाए, पर अपनी तरफ से कोशिश रहती भी एक बार जाके दर्शन कर ले। क्या चीज़ ऐसी है जो गुरबाणी में आपको बहुत प्रेरणा देती है, ध्यान रखते हैं? सबसे पहले तो इक्वालिटी। अच्छा। भाई गुरु साहब ने गुरबाणी में दर्ज किया है, सभ्य सांझी वाल सदायन, एक पिता एक कसके हम बारक, भाई सब हम एक पिता की संतान है, पूरी दुनिया में जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, एक नूरते सब जग उपजे, सब जग उपजे कौन पले को मंदे। तो ये चीज़ इक्वलिटी आज मेरे को लगता है इसकी हमारे देश को हमारे समाज को बहुत ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है जब हमारे गुरु साहब हमारे पूर्वज जब गुरबाणी लिख रहे थे तो उनको अंदेशा था इस चीज़ का कि आने वाले टाइम में सिचुएशन चेंज होगी, उस टाइम भी ऐसा होता होगा। तो उन्होंने गुरबाणी में ये भी दर्ज कर रखा है कि सतगुर को सबको वेखदा जेता जगत संसार, डिठे मुक्त ना हुए जिचर शब्द ना करी विचार। कि जो लिखा है अभी उनको लगा होगा भी आने वाले टाइम में सिर्फ ये माथे टेकने तक सीमित ना रह जाए जो हम लिख के जा रहे हैं, तो उन्होंने उस टाइम लिख दिया था भाई
कि जो लिख के जा रहे हैं जब तक इस पर विचार नहीं करना होगा, जब तक इसको अपने जीवन में नहीं लेके आओगे तो इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं। तो प्रैक्टिकली इन चीज़ों को जो हमारे पास बहुत एसेट है, बहुत हमारे हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए हैं ज्ञान, पर उस ज्ञान को पहले तो पढ़ना, फिर उसको समझना, फिर उस पर विचार करना, ये जब तक नहीं होगा तब तक चीज़ें मतलब वो चीज़ें बन नहीं पाएंगी जिस हम की कल्पना करते हैं। और उन चीज़ों का फ़ायदा भी तभी होगा जब हम ये चीज़ें अपने अंदर लेके आएंगे, खुद से शुरू करेंगे। गीता में हम इसको श्रवण मनन निधिध्यासन कहते हैं जी, है ना, वो सब एक ही सार है, एक ही तरीके से। बिल्कुल, सब जितने भी हैं धर्म ग्रंथ, मैं तो किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन की बात ना भी करूं तो सबका सार एक ही है। सब ने मतलब मिल के रहना, प्यार से रहना, कुदरत की केयर करनी, है ना, और ये सब चीज़ें सिखाई है। लड़ना तोड़ना बांटना ये किसी ने नहीं सिखाया। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति। बिल्कुल, एक ही सच को विद्वानों ने अलग अलग तरीके से, सच अपने अपने लफ्ज़ों में, अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने तरीके से बताया है। ठीक है, जितना समझ आए और उस पर चलने की कोशिश करते रहना चाहिए। सिखिज्म सबसे एडवांस, सबसे ना एक इवॉल्व रिलीजन है जी, इसलिए बहुत सारी मतलब सब रिलीजन से अच्छी चीज़ें उसमें दिखती हैं, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कई बार मूर्ति पूजा के बारे में बात होती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे समाज भटक सकता था या शायद जिसकी रिलेवेंस इस समाज को देखते हुए नहीं थी, कभी हुआ करती होगी, उन सब चीज़ों को छाट कर बहुत एक सार गर्भित तरीके से जी ड्राफ्ट किया हमारे गुरुओं ने जी। तो इसका फ़ायदा आपको लगता है कि आगे सालों तक जनरेशंस कैसे लेंगी? हाँ, अभी भी मेरे को लगता है कई बार जब लोग कर्म कांडों में वहमों में से निकलने के बाद रियलाइज़ करते हैं कि हम तो ऐसे ही इन चीज़ों में उलझे रहे। मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ पे नहीं डिस्कस करूँगा, पर कई शताब्दियाँ पहले गुरु साहब इनमें से निकाल के गए वहमों भरमों से, सीधा आत्मा और परमात्मा का, आपके कर्मों का, आपके आने वाले समय से जो लेना है, कर्मों ने किस्मत बनानी है, ये सब चीज़ों पर जोर डाल कर बता के गए। और मेरे को लगता है प्रैक्टिकली आज हम खुद इन सब चीज़ों को एहसास करते हैं, रियलाइज़ करते हैं कि भाई कर्मों से ही किस्मत बनती है और आत्मा परमात्मा का सीधा कनेक्शन है, बशर्ते आप उसको इस्टेब्लिश करें, आप समझ पाएँ, आप वहाँ तक पहुँच पाएँ। तो मेन कोशिश रहनी चाहिए कि ये चीज़ें हम समझें और कोशिश करते रहें, मतलब पहुँच तो कौन सकता है, वो कहते हैं जी आदमी की औकात तो नमक की डली जैसी है, वो समुंदर के बीच में जाके ये कोशिश करें कि मैं तल तक पहुँच जाऊँ तो पहुँच तो नहीं सकते, बस कोशिश करते रहना चाहिए। दिल्ली विधानसभा जी देश की सबसे यंगेस्ट असेंबली में से एक है। अभी तक जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ है, जितना इंटरव्यूज़ लिए हैं मैंने, और जितना आप MLAs के साथ और अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद रहा है मेरा, उसमें मैंने एक कॉमनैलिटी तो ये आइडेंटिफाई की है कि सब लोगों के अंदर एक स्पिरिचुअल वैल्यूज़ और एथिकल वैल्यूज़ और एक संस्कार जिसे हम कह सकते हैं बड़ी इंटैक्ट है जी। दिल्ली असेंबली एक यंगेस्ट असेंबली है, तो एक तो देश की यंगेस्ट असेंबली होने का गर्व से हमारे को एक तमगा मिला हुआ है। लेकिन दूसरी कॉमनैलिटी जो मैं आइडेंटिफाई करता हूँ वो ये कि ज़्यादातर MLAs स्पिरिचुअलिज्म में, रिलीजन में नहीं, रिलीजन हमें सिखा सकता है कि सामने वाले को क्या करना है, कैसे पहनना है, क्या उठना है, दूसरे को कंट्रोल करना सिखाता है। स्पिरिचुअलिज्म हमें सिखाता है कि अपने को कैसे कंट्रोल करना है। मेरे को लगता है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में हमें फिर से जागना चाहिए। जब ये पार्टी नहीं बनी थी तब, पार्टी नहीं बनी थी तो किसी को ये भी नहीं मालूम था भाई मैं MLA बनूंगा, किसी की वैसी इंटेंशन भी नहीं थी, पर जिस इंटेंशन से हम सब लोग इकट्ठे हुए थे वो इंटेंशन बड़ी प्योर थी, वो इंटेंशन MLA बनने की तो बिल्कुल नहीं थी। तब तो वो अन्ना जा रहे जी के मूवमेंट से सारे इकट्ठे होना शुरू हुए थे और जन लोकपाल आंदोलन की लड़ाई होती थी, उसके बाद खैर वो सिलसिला आगे बढ़ता गया, पर जिस भावना से वो आए थे ना वो भावना बड़ी जिम्मेवारी वाली भावना थी, मतलब एक परिवार को अपने बचाने वाली, आप अगर देश को अपना परिवार मानते हो, अपने सिस्टम को बचाने की भावना से आए थे, और वो भावना अपने आप मतलब वो उसी आदमी को वहाँ खींचेगी जिसकी इंटेंशन क्लियर होगी, जिसकी इंटेंशन दूसरे के लिए कुछ करने की होगी। खैर सिलसिला आगे बढ़ता गया, आज तो चीज़ें अपने आप को साबित कर चुकी हैं, समय अपने आप चीज़ों को साबित कर चुका है। तीसरी बारी दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार है, मेजोरिटी है, और यंगेस्ट असेंबली का दर्जा हमें प्राप्त है, और यंगेस्ट असेंबली भी जो है वो बड़े मार्जिन से, अगर आप पूरे
इंडिया की जो असेंबलीज है वहाँ के MLAs की एवरेज एज कैलकुलेट करो तो दिल्ली असेंबली उसमें नंबर वन पे आती है यंगेस्ट असेंबली में और अच्छे खासे मार्जिन के साथ आती है। तो कहते थे भी युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए राजनीति में। आज ये जो नए तरीके की राजनीति की शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी ने की उसका जो सुख है वो पूरी दिल्ली वाले भोग रहे हैं और मैं जाता हूँ दूसरी स्टेट्स में भी जाने का मेरे को मौका मिलता है तो मेरे को लगता है आज पूरे भारत की हर स्टेट का हर नागरिक ये चाहता है भी हमारे यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जैसी सरकार हो क्योंकि जो काम दिल्ली की सरकार कर रही है दूसरे मतलब सोचते हैं अभी भी हैरान होते हैं मतलब सुनकर कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है मतलब बिजली का बिल ज़ीरो आ सकता है। मेरे को याद है मैं बिजनेस करता था 2013 के पहले सारे दिल्ली वाले इस चीज़ के गवाह होंगे कि 2013 के पहले बिजली का बिल हर परिवार का मतलब एक टेंशन होती थी मंथली जो एक्सपेंस होता है उसका मेजर अमाउंट होता था। अभी आप देखो मतलब ज़ीरो भी ला रहे होते हैं अपने आप में बहुत बड़ा काम है। मेरे को मेरे इलाके के बुज़ुर्ग मिलते हैं वो बताते हैं जी हम पहले वाली मुख्यमंत्री साहिबा के पास जाते थे वो कहते थे जी मैं क्या करूँ बिजली की तो प्राइवेट कंपनी है बिल तो हर साल बढ़ रही है। तो अब वो जब ज़ीरो भी ला रहे हैं इतने सालों से तो वो मतलब क्यों ना तारीफ करें क्यों ना हर बार पिछली बार से बढ़कर हमें प्यार दें। और बिजली के बिल ही नहीं मतलब इसमें आप प्राइवेट स्कूलों की फीसों की बात कर लो पानी के बिलों की बात कर लो मतलब दिल्ली के काम गिरवाऊंगा तो ये पूरा एपिसोड भी कम है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैसेज पहुँच गया कि अगर सरकार की इंटेंशन क्लियर है तो मतलब सरकार क्या कुछ कर सकती है। नहीं तो मारते रहो बहाने मारते रहते थे पहले वाले जी महंगाई तो बढ़नी है फंड नहीं है मेरे मुँह से आज तक नहीं निकला मतलब कि फ़ंड नहीं है। जो काम पब्लिक बोलती है उसका प्रपोजल बन जाता है वो ग्राउंड पर डिलीवर हो जाता है और ऐसे ऐसे काम इलाके वालों के कहने के ऊपर हमने कर दिए जो आज तक नहीं हुए थे। हम तो बल्कि नए लोग थे हमें तो कुछ मालूम भी नहीं था पर वो सारे काम चाहे दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें चाहे लोकल MLAs के लेवल पे बात करें क्योंकि एक इंटेंशन क्लियर है इंटेंशन ये थी भी कुछ करके करना है कुछ सिस्टम चेंज करना है। गुरु की फौज जी तो मैंने ऑब्जर्व किया आपके काम करने के स्टाइल को आप बाइक पर घूमते हो जी पंजाब के प्रभारी हो है ना लेकिन एक ज़मीन से जुड़ते हुए जितना आपके कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर आप घूम रहे हो जैसे पहले एक पंजाबी मुंडा होता था घूमता था लोगों नू सत श्री अकाल बोलता था काम करता था पैरी पहना करके तो आज भी वो एसेंस आपने बरकरार रखी है। बहुत लोगों में बहुत कुछ बदला है हमारे लाइफस्टाइल बहुत हद तक बदले हैं लेकिन ये एसेंस आपने कैसे बचा के रखी। नहीं मेरे को बड़ा मज़ा आता है ये करने में। आज जब मेरे इलाके के आम घरों में ये बात हो रही होती है ना वो MLA तो साढ़ा पर आया MLA तो मेरा पुत्र है तो ये मतलब उनके लिए तो खुशी की बात है। मेरे को लगता है मेरी सबसे बड़ी एसेट भी यही है कि अगर मेरी असेंबली के हर घर वाला किसी को मैं बेटे जैसा लग रहा हूँ किसी को मैं भाई जैसा लग रहा हूँ तो मेरे को इससे ज़्यादा क्या चाहिए। मतलब हर बार ही मैं पहली बार इलेक्शन लड़ा तो मेरा 2000 का मार्जिन था वो बड़ी टफ फाइट थी। अगली बार इलेक्शन हुआ लोगों ने सरकार के काम देखे हमारे काम देखे हमारे बारे में समझा तो 10 गुना मार्जिन बढ़ गया। अच्छा दो बार के बाद तो एंटी इनकमेंसी होती है मार्जिन कम होते हैं तीसरी बारी वो और मतलब 150 गुना हो गया 20 से 30 हज़ार हो गया। तो ये जो आशीर्वाद मतलब बढ़े जा रहा है लोगों का प्यार बढ़े जा रहा है लोगों का सपोर्ट बढ़े जा रहा है तो और इससे ज़्यादा क्या चाहिए होता। अपना तो कई बारी घर जाने तक को दिल नहीं करता मतलब इलाके में होते हैं तो चलो यार मतलब लोगों के बीच में इतना प्यार मिल रहा होता है भाभी से डर तो नहीं लगता घर ना जाने का कह रही नहीं इसमें मैं बड़ा मेरे को लगता है मैं खुश नसीब हूँ कि परिवार का पूरा सपोर्ट साथ में रहा पहले दिन से रहा। जो करीबी दोस्त हैं शुरू में तो इतने खुल के लोग नहीं आए थे साथ में तो उस टाइम फैमिली वाले होते थे कुछ यार दोस्त होते थे कुछ पार्टी के और वॉलंटियर होते थे तो फैमिली की सपोर्ट के बिना तो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। पर आज भी मतलब फैमिली की सपोर्ट बरकरार रहती है इवन वो हेल्प करते हैं कई बार ऑफिस के कामों में या उनको भी अब क्योंकि जिस एरिया से मेरे को सेवा मिली है MLA हूँ मैं उसी इलाके में पढ़ा हूँ उसी में मैं बड़ा हुआ हूँ मेरी सिस्टर्स की शादी भी वहीं हुई मेरी वाइफ भी उसी एरिया से है तो सब ऑलरेडी मतलब किसी ना किसी को फादर साहब के लिंक है कोई ना कोई काम आ ही रहता है तो सारे हेल्प करते हैं काम करवाने में और एक बहुत बड़ी अपने साथियों की टीम है सब मिल के अच्छा कर रहे हैं। अरेंज मैरिज आपकी? अरेंज मैरिज है पक्का। चलिए आइए बैठते हैं।
भाई आपका भी फार्मिंग से कुछ बैकग्राउंड रहा है फादर का? हाँ बिल्कुल, मेरे दादाजी ने जो मेरे पिताजी को दिया था पेशा वो फार्मिंग ही था। अच्छा, पार्टीशन के बाद हमारे जो ग्रैंड फादर्स थे, मेरे दादाजी थे ग्रैंड फादर, उनको ज़मीन मिली थी, ये रुद्रपुर है आजकल उत्तराखंड में आ गया है, इसके पास फार्म था हमारा। और मेरे फादर का भी पेशा खेती बाड़ी था, पर मेरे को लगता है कि आज से मैं लगभग 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, और आज भी थोड़ी ज़मीन वाला किसान कोई बहुत ज़्यादा वेल ऑफ नहीं होता। तो मेरे पिताजी भी वो ज़मीन बेच के और हम फिर दिल्ली मूव हो गए, दिल्ली शिफ्ट हो गए। कब की बात? ये 90 के पहले की बात है, 90 से। तो फिर पिताजी ने यहाँ बिजनेस वगैरह किया काफ़ी। मेरे को भी मतलब फैमिली के हालात ऐसे थे एक टाइम पे कि 10वीं करके मेरे को काम पे लगना पड़ गया था। अच्छा जी, 10वीं के बाद? हाँ, यहाँ तिलक नगर जो स्कूल है सरकारी स्कूल, यहाँ से 10वीं की थी मैंने 95 में, तो फिर मेरे को काम पे लगना पड़ गया था। क्या काम कर रहे थे? तब तो क्या मिल रहा था, लोग कहते थे उस टाइम पे जी कोई हाथ का हुनर सीख लो, ज़िंदगी में काम आएगा, कभी काम ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो मेरे को एसी रिपेयर वाली एक शॉप पे काम मिल गया था। अच्छा, तब 300 रुपये महीना तनख्वाह होती थी 95 में 10वीं पास करके। तो 3 साल मैंने लगभग वो काम किया, 15 से 18 साल की मेरी एज हो गई, और 300 से लेकर 800 मेरी तनख्वाह हो गई। अच्छा, 3 साल में। और पर ये मेरे को एक एडवांटेज हो गया कि 18 साल की उम्र में मैं एक एयर कंडीशन खुद इंस्टॉल कर लेता था, मतलब जो एक इंजीनियर काम करता है। सिर्फ इंस्टॉल या रिपेयर वगैरह भी? रिपेयर तो मतलब छोटी चीज़ हो गई, सर्विस पे जाते ही थे, घर का असेंबल कर लेते थे, पूरा असेंबल भी कर लेता था। अच्छा। और 18 साल की उम्र में देखता था हमारे पास वो ITI से इंटर्नशिप करने आते थे, उनको खाली वो किताब का और थोड़ा बहुत मालूम होता था, पर मैं 18 साल की उम्र में पूरा एक मतलब ट्रेंड एयर कंडीशन का इंजीनियर बन चुका था। तो आज आपके घर में एसी कोई? आज भी मैं करता हूँ, मैं फिल्टर और कूलिंग साफ़ कर लेता हूँ, कूलिंग कोयल साफ़ कर लेता हूँ, ये सारी चीज़ें, कुछ छोटे मोटे चीज़ें होती हैं। तो खुद टूल किट रखने का बहुत शौक है मेरे को, जहाँ भी होता हूँ मेरे पास टूल किट जरूर होती है। अच्छा, तो वो काम मैं खुद ही करता हूँ सारे, अच्छा लगता है आज भी करके। पर आपने तो बिज़नेस किया था राजनीति में आने से पहले? बिल्कुल, मैं अगर ये कहूँ कि मेरा तीसरा जन्म है यही, इसी जन्म में ही। अच्छा, तो कोई ये हैरानी वाली बात नहीं है। जब मैं जॉब करता था तब मेरे का यही सपना था भी मैं बड़ा होकर बिजनेसमैन बनूंगा, और वो धीरे धीरे मतलब लगभग उसमें आप ये मान लो कि 15 साल लग तो गए, पर वो मेरा सपना सच हो गया। जॉब करते करते, क्योंकि 800 रुपये बहुत कम होते थे, 800 में कुछ भी नहीं होता, तो ज़्यादा तनख्वाह के लिए फिर मैंने वो जॉब छोड़ के और सेल्समैन की जॉब में की। अच्छा, सेल्समैन की जॉब तो मिल ही जाती थी, कुछ नहीं मिलता तो सेल्समैन की जॉब तो मिल ही जाती थी। तो वहाँ सैलरी अच्छी थी, पर वहाँ ये बड़ा प्रेशर होता था जो मशीन बेचने का। पर उसमें मेरे को ये मिला एडवांटेज कि मेरे को बोलना चलना सिखा दिया। मैं इतना शाही था, मैं अपने घर में भी शर्मा शर्मा के बात करता था। तो वो जब वो सवेरे सवेरे जाके गुड मॉर्निंग सर, पटाख दरवाज़ा बंद आ जाते हैं सवेरे सवेरे गुड मॉर्निंग सर, तो वो डोर नॉकिंग ने बोलना चलना सिखा दिया। और जिस कंपनी में मैं जॉब करता था वो वैक्यूम क्लीनर हमारा प्रोडक्ट होता था, उसके बाद वाटर प्योरीफायर आ गई, तो वाटर प्योरीफायर से बहुत मेरे को फिर ग्रोथ मिली। अभी जो मेरा बिजनेस भी हुआ वो वाटर प्योरीफायर का ही था, और अपना वो चलता रहा सिलसिला, काफ़ी चलता रहा। और मेरे को लगता है आप लगातार काम करते रहते हो, मेहनत करते रहते हो, तो कुदरत बीच बीच में आपको कुछ मौके ज़रूर देती है, बीच बीच में मतलब आपको जैकपॉट ज़रूर देती है। तो वो जॉब करते करते फिर वो मैं बिज़नेस में आ गया धीरे धीरे, और बिज़नेस धीरे धीरे बढ़ते 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 इतना ठीक ठाक हो गया कि जिस कंपनी में मैं जॉब करता था हम उसी कंपनी के सप्लायर बन चुके थे। अच्छा, हाँ, उस कंपनी के सप्लायर बन चुके थे, और फिर फैक्ट्री वगैरह लग गई। तो वो मेरा जो सपना मैंने बताया कि बड़ा होकर बिज़नेस करूँगा, वो मेरा सच हो चुका था। क्या बात। और सब ठीक ठाक हो गया था, फैक्ट्री लग चुकी थी, यहाँ दिल्ली में ऑफिस था, इम्पोर्ट वगैरह का काम था, थोड़ा सोशल कुछ करने की कोशिश की, आपस में ट्रेड वालों को जोड़ने की कोशिश की, तो हमने एक एसोसिएशन बना ली अपने ट्रेड की। अच्छा। मैं आज भी उसका चेयरमैन हूँ ऑप्टिमा करके। वो आपने बनाई थी कभी? हाँ, वो हमने बनाई थी, हमने थोड़े से लोगों ने शुरू की थी, पर आज पूरे इंडिया से उसमें जितने भी वाटर प्योरीफायर का काम करते हैं वो सारे उसके मेंबर्स हैं। मैं थोड़ा कम टाइम दे पाता हूँ, तो पहले मैं जनरल सेक्रेटरी था, अब मेरे को चेयरमैन बना दिया है यहाँ बैठ के। रिलैक्स पोजीशन पे जी। बहुत प्यारा सफर है आपका। राजनीति में आना कैसे हो गया? देखो, इंटरेस्ट था कभी बचपन में?
नहीं, कभी मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं, मेरे को जो बिजनेस मैंने छोटे से शुरू किया था एक टाइम पे वो ठीक ठाक हो गया, तो मैंने कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा था मैं बिज़नेस छोड़ के कुछ और करूँगा या कर सकता हूँ। हम यूरोप गए थे अपनी एग्जीबिशन लगाने ट्रेड की, नीदरलैंड, तो वहाँ कुछ दिन मैं अपने एक बचपन के दोस्त के पास रहा। अच्छा। तो वहाँ जो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी, मेरा थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ उसके बाद। मैंने देखा यहाँ हमारे को, हम तो बहुत खैर रिलीजियस लोग हैं सारे, गुरुद्वारे मंदिर भी जाते हैं खूब, हमारे को धर्म पे ज्ञान भी दिया जाता है, सब मोह माया है, सब यहीं रह जाएगा। पर वहाँ मैंने जो लोगों का एक लाइफस्टाइल देखा, तो वो सही में इस चीज़ को फॉलो कर रहे थे। नीदरलैंड में, नीदरलैंड में मतलब बाहर कंट्री में लोगों का है इस तरीके का कि बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के लिए जोड़ना है, उनके बच्चों के लिए जोड़ना है, उनके बच्चों के लिए जोड़ना है, ऐसा नहीं करते। वो अपना हफ्ते में 5 दिन कमाया, 2 दिन खर्चा, कोई बहुत ज़्यादा किसी को मकान बनाने की नहीं रहती, कोई बहुत ज़्यादा किसी को बैंक बैलेंस खड़े करने की नहीं रहती, और अपना ज़िंदगी को आराम से मज़े से जीते हैं, कुदरत की पूरी केयर करते हैं, नेचर की केयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने वो देखी, तो मेरे को एक ये लगा कि यार ये पैसा कमाने वाली रेस का कोई अंत नहीं है, मतलब ये एंडलेस है। वो तो अडानी अम्बानी जैसों की भूख आग नहीं मिटी, तो हम तो बहुत छोटे से थे, हमारा क्या, तो ये तो इसी में निकल जाएगा। तो कुछ अगर हो सके तो डिफरेंट करने का मौका मिले तो मैं ज़रूर करूँगा। फिर वो दिमाग में थॉट आती है तो कुछ कुदरत उसके बाद आपको, मेरे को लगता है, रास्ता देती है। तो यहाँ आए तो मेरे घर के साथ ही तिहाड़ झील है, तो वो अन्ना जा रहे जी वाला मूवमेंट तब शुरू हो चुका था। अच्छा। तो उनको रखा था वहाँ पर, तो हमारे गलियों से, हमारे मोहल्ले से लगातार लोग जाते थे शाम को मोमबत्तियाँ लेके। अच्छा। तो एक दिन मैं भी चला गया, तो मेरे को कुछ साथी मिले, तो उन्होंने बोला जी हमारे साथ वॉलंटियर करोगे, तो कोई फॉर्म भरवाया था उस टाइम उन्होंने, तो मैंने उस पर लिखा जी मैं डेली 2 घंटे दूंगा और संडे का पूरा दिन दिया करूँगा, बस वो फॉर्म भरना था। और वो रास्ता फिर आज बढ़ते 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 आज आपके सामने ही है। क्या बात है, मज़ेदार है। तो इलेक्शन लड़ने का मन में कैसे आया, फैमिली ने कोई विरोध किया, कैसे रहा वो सफ़र? नहीं, मन में नहीं आया, ये उस जो रास्ता था सारा जिस ट्रैक पे हम चल रहे थे उसका एक पार्ट था, मैंने नहीं सोचा था। हालाँकि तिलक नगर में पार्टी अभी शुरू ही हुई थी, बहुत थोड़े से लोग थे, तो तब तो हम पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले वो भरते थे, फिर वो बिजली पानी वाले हम फॉर्म, बिजली आंदोलन वाले फॉर्म भरते थे, फिर 26 नवंबर 2012 को जब पार्टी फॉर्म हुई उसके बाद वहाँ संगठन बनना धीरे धीरे शुरू हुआ। तो मैं बिल्कुल उस टाइम पे, तब हम वो 10 रुपये वाली मेंबरशिप की पर्ची काटते थे, डोनेशन लेते थे, वो 50 रुपये में वो स्वराज की किताब घर घर जाके देते थे, जन लोकपाल आंदोलन, जन लोकपाल बिल के इसके बारे में बताते थे। तो धीरे धीरे चीज़ें फिर नज़दीक आती गई, पार्टी ने ऐलान किया भाई हम 2013 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो फिर एक शॉर्ट लिस्ट बनी जितने एक्टिव वॉलंटियर्स थे सब ने, जिसने भाई इलेक्शन लड़ना है अपना फॉर्म भर के दो, तो मेरा भी फॉर्म भरा गया। फिर उसमें से 3 लोग शॉर्ट लिस्ट किए गए, 3 लोगों का वो पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया भी इनके खिलाफ़ कुछ है, अगर आपको ये क्या आपका ओपिनियन है, कुछ इनके खिलाफ़ आप जानते हो कुछ, ये अगर किसी गलत काम में इन्वॉल्व रहे हैं तो वो आप बताओ। उसके बाद फिर इंटरव्यूज़ हुए और मेरे को फाइनली मौका मिला तिलक नगर से 2013 दिसंबर में जो चुनाव थे वो चुनाव लड़ने का, और इलाके के लोगों ने समझा। तिलक नगर उन 28 सीटों में जिनमें पहले 28 MLA बने थे, तो मैं शुक्रगुजार हूँ आज भी अपने इलाके के लोगों का, सबसे पहले पार्टी का जिन्होंने मेरे को उस समय मौका दिया था, और तिलक नगर वालों का जिन्होंने उस समय इस चीज़ को समझा कि ये कुछ अलग करना चाहते हैं, ये कुछ नया करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के उस विज़न को समझा और आज उस चीज़ का फ़ायदा पूरी दिल्ली में। एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट, पहली बार कोई पार्टी चुनाव लड़ रही है जी, 28 सीट किसी असेंबली के अंदर मिलना, ये तो एक चमत्कार। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊँ 8 दिसंबर 2013 उस दिन जो चुनाव के नतीजे आए थे वो आज तक नहीं भूलता, वो एक एक सेकंड दिमाग में प्रिंट है बेशक। उसके बाद 2 बार ये और आ गए, हम बहुत अच्छी तरह बहुत बड़े मार्जिन से जीते, पर वो आज भी पूरी तरह एक गाड़ी याद की तरह है, एक एक बूथ खुल रहा था। वो कैंपेन जो की थी वो बहुत लंबी कैंपेन थी, घर घर हम गए, 17,000 कुछ घरों में खुद गए हम, डेटा हर दिन का। अच्छा। वो गूगल शीट होती थी, बहुत मेरे को लगता है बहुत सारे अच्छे लोगों ने जो उस समय से साथ लगे हैं बहुत मेहनत की, मतलब हमें तो ये एडवांटेज मिल गई कि हम एक चेहरा बन गए उसका, पर हमारे पीछे बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो जिन जिन घरों में आप गए होंगे कभी ऐसा भी हुआ होगा कि कभी
कुछ साल पहले वहाँ पे वैक्यूम क्लीनर बेचने के लिए भी गए होंगे। हाँ बिल्कुल, मेरे को तो आज भी ये दिल्ली की सड़कें हैं ये सारी याद दिलाती रहती हैं वो सारी। तो उन घरों में जब कभी इन्हें आपने घंटी बजाई थी वैक्यूम क्लीनर बेचने के लिए और आज आप वोट मांगने के लिए जा रहे हो, उनका क्या रिएक्शन होता था? रिएक्शन शुरू में तो बड़ा अजीब था। अच्छा, शुरू में तो ये था भी ये केड़े कमच पे गए हो यार, मतलब राजनीति तो वही थी ना कि ये फालतू का काम थी या इसको गलत नज़र से देखते थे। तो मेरी तब तक तो इमेज ठीक थी यार, ये मेहनती लड़का है, ये हमने देखा है बचपन से अपना मेहनत करके इसने काम धंधा सेट करा है। तो तब उनको बड़े सारे लोग टोकते थे यार, ये कहाँ इलेक्शन विलेक्शन के चक्कर में पड़ गए तुम, यहाँ तो बिना शराब बांटे बिना पैसे बांटे कोई जीत ही नहीं सकता, तुम क्या समझा रहे हो। और कई पॉलिटिकल लोग होते थे वो मजाक भी उड़ाते थे, ये आ गए हैं जी कहते हैं इलेक्शन लड़ेंगे कल के बच्चे हैं। तो मेरे को लगता है वो जो पैसे शराब वाली बात करते थे उन सब लोगों ने मिलके ऐसे लोगों के मुंह पे एक तमाचा मारा कि यार बिना पैसे बांटे बिना शराबें बांटे भी इलेक्शन लड़े जा सकते हैं। ये दिल्ली के लोगों ने जो मिसाल सेट की ना, ये इंडिया की राजनीति की दिशा बदलेगी। बिल्कुल, क्या एज थी आपकी पहला इलेक्शन जीते जब? मैं तब 30 साल का था। क्या बात, यंगेस्ट एमएलए था? नहीं यंगेस्ट नहीं था, मेरे से छोटी एज के ही बहुत थे। हमारा वो प्रकाश जरवाल है, प्रकाश जरवाल सबसे छोटा। प्रकाश जरवाल तो मेरे को लग रहा जब वो कैंपेन कर रहा था तब वो 25 साल का वो भी नहीं था, पर जब वो नॉमिनेशन फाइल करना था तब वो 25 साल का था। तो वो बहुत, राखी बिड़ला है, बहुत सारे मेरे से कम एज वाले भी हैं, मतलब 30 साल तो मैं फिर थोड़ा सीनियर हूँ, मेरे से कम एज वाले भी बहुत हैं। ओके, अब आपको पंजाब की जिम्मेदारी मिली हुई है आजकल, क्या सपने हैं पंजाब को लेके? देखिए पंजाब एक ऐसी स्टेट है जहाँ दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी को अगर सबसे ज़्यादा प्यार कहीं से मिला है तो पंजाब से मिला है। बेशक एक एक करके अब सारी स्टेट्स में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के काम देखने के बाद एक एक्साइटमेंट एक इंटरेस्ट पैदा हो रहा है आम आदमी पार्टी के लिए, पर पंजाब में आप देख सकते हैं 2014 में हम लोकसभा चुनाव लड़े थे तब हमारे को 4 MP पंजाब में दिए थे, तब से ही बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट बेस। और पंजाब उन एक ऐसी स्टेट है जहाँ हमेशा बदलाव को या किसी चीज़ की पहल करनी हो तो पंजाब उसमें सबसे अव्वल आता है। तो पंजाब से वो शुरुआत 2014 में हो गई थी 4 MP की सीटों से। उसके बाद 17 में हम जब विधानसभा लड़े तब भी हमारे को मेन जो अपोजिशन पार्टी होती है उसका वहाँ पर रोल मिला। अब पंजाब के लोग ये रियलाइज़ करते हैं कि 2017 में हमसे कुछ कमी रह गई, जब दिल्ली गवर्नमेंट का 5 साल का काम देखा, ऐसे ऐसे काम देखे जो मतलब लोगों ने सपने में भी नहीं सोचे थे वो केजरीवाल साहब की सरकार ने करके दिखाए। तो अब बड़ी एक्साइटमेंट है पंजाब के लोगों ने भी, इस बार ही इनको ज़रूर चुनना है क्योंकि पंजाब ने बहुत सहा है पार्टीशन के टाइम से लेकर और आज तक। मतलब पंजाब एक सोने की मतलब चिड़िया कह लो ऐसी स्टेट थी, मतलब रिचेस्ट स्टेट थी। तो वो आज जिस कगार से गुजर रही है, पंजाब का जिक्र हो तो आज नशे का जिक्र ज़रूर आता है, पंजाब का जिक्र हो तो बेरोज़गारी का जिक्र भी आता है, आजकल किसानों के प्रोटेस्ट का बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। तो बहुत बड़े बड़े इशू हो गए जो मतलब एक जिम्मेवार सरकार अगर वहाँ होती तो ये सब नहीं होते। पंजाब में गुरु साहब की बेअदबी का आजकल बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। 2017 में लोगों ने मतलब लोगों को भ्रमित कर दी कांग्रेस, कैप्टन अमरिंदर सिंह के वो गुटका साहब पे हाथ रख के झूठी कसमें लोगों को गुमराह कर गए। तो लोग आज इस चीज़ को मान रहे हैं, ये जो दिल्ली की हम बात करते हैं केजरीवाल की मॉडल की बात करते हैं तो केजरीवाल मॉडल सिर्फ ये फ्री बिजली फ्री पानी CCTV कैमरा अच्छे सरकारी स्कूल अच्छे सरकारी हॉस्पिटल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। केजरीवाल मॉडल को अगर आपने शब्दों में अगर समझोना हो, वैसे तो मुश्किल काम है, पर मेरे को ये लगता है कि अपने वादों को पूरा करना ये केजरीवाल मॉडल है। वादे तो हर पार्टी भर भर के करती है इलेक्शन में, बड़े बड़े 125 पेज के मैनिफेस्टो भी निकालती है, पर उन वादों को अगर पूरा कोई करना जानता है तो वो केजरीवाल मॉडल है। उस चीज़ का आज जिक्र हो रहा है, भाई इन्होंने जो कहा, इन्होंने कहा बिजली फ्री देंगे, इन्होंने दी, इन्होंने कहा पानी फ्री देंगे दिया, इन्होंने सरकारी स्कूल प्राइवेट से बढ़िया करने की बात की करे, हॉस्पिटल की बात करी किए, और जो नहीं कहा था जैसे लेडीज़ के किराए हमने महिलाओं बहनों के लिए फ्री किए, ये तो हमने कहीं मैनिफेस्टो में नहीं लिखा था पर वो भी करके दिया, मतलब जो कहा था उससे ज़्यादा डिलीवर किया एक ऐसी पार्टी है। तो हर स्टेट का हर निवासी चाहता है यार ऐसी सरकार हो जो मतलब कहने से ज़्यादा करके दे, या तो जो कहते हैं उसको बंद करके रख देते हैं, मैनिफेस्टो को कोई उसके बाद खोलता तक नहीं। तो लोग इस चीज़ को लेकर बहुत एक्साइटेड, और पंजाब में एक
सपोर्ट बेस बहुत बढ़िया बन चुका है। मेरे को लगता है अब 2022 में जो चुनाव होने हैं अपनी वहाँ पर सरकार बनेगी और पंजाब फिर से खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। जो यूथ है, पार्टी का कैडर है, पार्टी के लोग हैं जो कहीं ना कहीं हमारे इंटरव्यूज को सुन रहे हैं या आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, आपको ट्विटर पे फॉलो करते हैं, इंस्टा पे फॉलो करते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो सफ़र है हमारा दिन से रात तक जो हम जी रहे हैं, ये कितना आसान है, कितना मुश्किल है। क्या कोई एक यंगस्टर जो कभी सोचता है कि हाँ देश की राजनीति बदलनी चाहिए, मान लीजिए आज वो गुजरात में बैठा है, किसी गांव में बैठा है, और वहाँ वो ये सोचता है कि हाँ यार आम आदमी पार्टी का विज़न तो सही है, ये लोग दिखते तो मेहनती हैं, ये लोग दिखते तो ईमानदार हैं, ये लोग दिखते तो हैं जिनके मन में एक उज्ज्वल भारत की कल्पना है, उसको हम कैसे ये विश्वास दिलाएं कि जरनैल सिंह यदि 30 साल में MLA बन सकते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता यदि 18 साल से 40 साल के बीच में इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचा सकते हैं, तो वो अपना टाइम जब देने के लिए एक फॉर्म भरता है या कॉल करता है, तो उसके मन में ये कैसे उम्मीद हो कि हाँ जो मैं काम कर रहा हूँ उससे कुछ रिज़ल्ट आएगा। देखिए शरीन भाई, जो सामने दिखता हो उससे बड़ा प्रमाण तो वैसे कुछ होता नहीं, पर फिर भी मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि आम आदमी पार्टी ने एक मॉडल सेट कर दिया है। मॉडल सेट ये कर दिया है कि दूसरी पार्टियों में हमने देखा कि जनरेशंस की जनरेशंस निकल जाती थी लोगों को काम करते हुए, वही झूठे वादे, भाई इस बार तेरे को टिकट दे देंगे, इस बार तेरे को टिकट दे देंगे, पर टिकट फिर परिवार के आदमी को, वो परंपरा चलती रहती थी। आम आदमी पार्टी ने इस कल्चर को ख़त्म किया है। मैं बता रहा हूँ, मैं और मेरे साथी प्रमाण है जिनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं था और बिल्कुल एक आम साधारण पार्टी मेंबर के तौर पर सबने शुरू किया था। पब्लिक को तो इस चीज़ का मतलब फ़ायदा मिला ही मिला, जो गवर्नमेंट बनी उसकी स्कीम्स का फ़ायदा मिल रहा है, पर एक यूथ के लिए भी इसमें स्कोप इसलिए है कि पहली बार भारत में काम के दम पर वोट मांगने वाली राजनीति की शुरुआत हुई है। युवा अगर इसकी तरफ प्रेरित होते रहेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करते रहेंगे, तो इसको और मजबूती मिलती रहेगी और ये पूरे भारत में फैलती रहेगी। जिनको कोई डाउट है वो दिल्ली आके उस डाउट को क्लियर कर लें, दिल्ली सरकार के जो काम है वो ज़मीन पे उतरते देख लें, या मेरा और हमारे साथ बहुत सारे मेरे जैसे साथी हैं उनका ट्रैक चेक कर लें। पिछले 10 साल में उन्होंने वॉलंटियर के तौर पर शुरू किया और सब आज सेटिस्फाई है। सबसे पहली जवाबदारी तो मेरे को लगता है अपने आप को होती है। बिल्कुल ठीक बात। शाम को जब हम घर जाके सोते हैं तो 10 मिनट बेडरूम में एक बार जरूर आत्मचिंता होता है इस चीज़ पे कि भाई आज हमने क्या क्या किया, अपने आप को, अपनी आत्मा को सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या क्या काम किए। तो वो जब आत्म मंथन होता है तो मेरे को लगता है कि वो बहुत उससे तसल्ली मिलती है और अगले दिन काम करने की हमारे को प्रेरणा भी मिलती है कि हमारे पास इतना स्कोप है, हमारे देश में, हमारे शहर में अभी इतना कुछ करना बाकी है। मेरे को लगता है एक छोटी सी शुरुआत हुई है, छोटी सी शुरुआत हुई है और उसको अभी बहुत आगे तक लेके जाना है। लोगों का पूरा आशीर्वाद, लोगों का पूरा प्यार हमारे साथ है कि लोग देख रहे हैं कि ये लोग काम करना चाह रहे हैं और ये रिज़ल्ट भी दे रहे हैं, तो इस चीज़ को आगे बढ़ाना पड़ेगा, सबको मिलके बढ़ाना पड़ेगा और पूरा हर चीज़, मतलब नौजवान जो चीज़ हाथ में पकड़ेंगे वही चीज़ आगे जाएगी, उसके बाद आने वाली जनरेशन उस चीज़ को पकड़ेगी तो आगे जाएगी। अब पॉलिटिक्स ही सिस्टम को बदल सकती है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। इंडिविजुअली भी मैं मानता हूँ कई सारी NGOs बहुत अच्छा काम करती हैं, पर सरकार जब साफ नीयत वाली हो, सरकार जब किसी चीज़ को ठान ले अच्छी नीयत के साथ, तो वो उस चीज़ का बेनिफिट बहुत लार्ज स्केल पर जाता है। आज दिल्ली में हम देख रहे हैं ना किस तरीके से लोगों को, चाहे हम एजुकेशन की बात करते हैं, चाहे हम बिजली के फ्री बिलों की बात करते हैं, मैं बार बार चीज़ें रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि मेजोरिटी में इन चीज़ों का फ़ायदा दिल्ली के लोगों को मिल रहा है। जब आप अपने साथ 10 मिनट रात को गुजार रहे होते हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सुकून देती हैं, मोटी मोटी कुछ चीज़ें जो आपको मन में आती हो, जिससे आपको ये खुद पे एहसास रहता हो खुद से कि भाई जो ज़िंदगी मैंने इस एज में मैं कर सकता था उससे बहुत आगे का किया। देखिए हम सब MLAs का एक रूटीन है कि हम डेली लोगों के बीच में ज़रूर जाते हैं। अब लोगों के बीच में जाएंगे तो नेचुरली लोग अपनी ज़रूरतें बताते हैं, कई तो आम ज़रूरतें होती हैं भी, हमारे यहाँ पानी गंदा आ रहा है, हमारे यहाँ सीवर की लाइन पड़ने वाली है, हमारे यहाँ कैमरे लगवा दो जी, मेरे बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा दो जी, तो ये चीज़ें तो हमें परमात्मा ने इतना
सक्षम बना दिया, यानी लोगों ने इतना सक्षम बना दिया कि हम ये सारे काम करवा पाते हैं। सारे नहीं भी हो पाते, कई बार कुछ ऐसी डिमांड्स भी आ जाती हैं जो सरकार के उसमें नहीं आती है दायरे में, तो अच्छा लगता है कई बार ऐसे लोग साथ में जुड़े होते हैं, किसी बच्चे के प्राइवेट स्कूल की फ़ीस भरनी है, किसी को कुछ ऐसा खर्चा आ गया जो इमीडिएटली सरकारी स्कीम से नहीं होता, तो कुछ लोग मिलके उसकी मदद कर देते हैं। अच्छा। और मेरे को खुशी इस चीज़ की कि मैक्सिमम चीज़ें तो अपनी सरकार के उससे ही करवा लेते हैं भाई, ये जो चीज़ें लोग कह रहे हैं आज की डेट में, सड़क, सीवर, पानी, कैमरा, वाईफाई, ये सब चीज़ें तो सरकार कर ही रही है। और जब किसी का काम हो जाता है, किसी को इलाज की ज़रूरत है, उसको जाके सरकारी अस्पताल में बढ़िया इलाज मिल गया, किसी के बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था, उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया, सरकारी स्कूल में एडमिशन हो गया, तो वो जो दुआएं हैं, मेरे को लगता है वो हमारी हर दिन की कमाई है। क्या बात? वो हमारी एसेट है, तो वो उससे परमात्मा हमारे को शाम को अच्छा हमारे को भर के भेजता है उन दुआओं से। और हर दिन यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो दुआएँ इकट्ठी की जाएँ। ऑफिस चलता है वहाँ डेली, मेरे को लगता है बहुत बड़ी गिनती में लोग आते हैं, और कोशिश रहती है सबको अच्छे तरीके से अटेंड करके उनके काम किए जाएं। और जैसे मैंने बताया कि मैं तो सिर्फ़ एक चेयर हूँ, एक बहुत बड़ी टीम हर विधानसभा में लगी रहती है, क्योंकि ऊपर से अगर एक अच्छा विज़न है तो नीचे ज़मीन तक लोगों को प्रेरणा मिलती है कि इनके साथ जुड़ना है। आज आईबी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को आईबी बोर्ड के बारे में मालूम है कि क्या मतलब रेवोल्यूशन आने वाला है, जो चीज़ें पिछली सरकार का तो नारा था कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के लेवल का बनाएंगे, अब आईबी बोर्ड की बात करते हैं तो अब तो नारा ये हो गया है कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से भी बहुत ऊपर लेके जाएंगे। जिन लोगों को आईबी बोर्ड के बारे में मालूम है वो हैरान है, अच्छा दिल्ली सरकार के स्कूलों में आईबी बोर्ड मिल रहा है। तो ये चीज़ें देखकर अब अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं कि हम बताओ हम कैसे आपके साथ जुड़ सकते हैं। ये एक एसेट है जब हर दिन अलग अलग आपके इलाके से अलग अलग वर्गों से लोग आते हैं, कोई अच्छा जॉब कर रहा है, कोई अच्छा बिजनेस में है, कोई स्टूडेंट है, किसी ने अभी बिल्कुल अपना शुरू ही करना है करियर, वो आके कहता है जी मेरे को आपके साथ जुड़ना है, आपके साथ काम करना है, तो मतलब बहुत सुकून देती है ये चीज़ें कि हम कुछ ठीक ही कर रहे होंगे भाई, लोग आके कह रहे हैं ये बात, तो ये चीज़ सुन के बड़ी तसल्ली होती है और हर दिन और मोटिवेशन मिलता है काम करने का। परिवार में कौन है? परिवार में मेरे फादर साहब हैं, मेरी माता जी हैं, मेरी वाइफ है, मेरे दो बेटे हैं। कितने बड़े हैं बच्चे? आप शादी हुई थी जी 2010 के अंदर, साथ के साथ 11 में बेटा हुआ पहला, और जब पिछली बार पंजाब इलेक्शन चल रहे थे तो 17 में मेरा दूसरा बेटा, वो मतलब एक 5 साल का एक 10 साल का है। तो बच्चे भी इलेक्शन के हिसाब से आपको याद रहते हैं? कैंपेन के हिसाब से, हम पंजीठा में कैंपेन कर रहे थे तो बिल्कुल फाइनल दिनों में कैंपेन थी। अच्छा। तो मेरे को मालूम था भाई आप किसी भी दिन मेरे को किसी भी टाइम फोन आ सकता है, तो फिर आजकल अच्छा है भी वो डॉक्टर बता देते हैं भाई आप आ जाना। और इस दिन तो 30 जनवरी को मेरा जो छोटा बेटा उसकी डिलीवरी होनी थी, तो मैं 29 की रात को निकला, 30 को सुबह डिलीवरी हुई और मैं शाम को वापस मजीठा पहुंच गया। तो बड़ा वहाँ हमने सेलिब्रेट फिर वहाँ पर किया, सारा मेरे जो साथी थे उन्होंने वहाँ केक वेक काटा। तो ये ध्यान रहता है क्योंकि ये हिस्सा बन गई है, जैसे परिवार हिस्सा है लाइफ का, तो ये भी मतलब लाइफ का हिस्सा ही है सारी, ये चुनाव कैंपेन, पॉलिटिकल, एमएलए ऑफिस, ये सब मतलब सब मिल इकट्ठे ही चलता है, अलग नहीं है। कभी भाभी कंप्लेन नहीं करती? नहीं, टच वुड अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है और सपोर्ट करते हैं। कभी कभी अगर कुछ ऐसी नाराज़गी हो जाती भी, आजकल फिर बहुत घर पर कम रहना होता है तो कंपनसेट कर देते हैं थोड़ा आगे, कभी कहीं डिनर करा दिया, कभी कुछ मान ली भाई थोड़ी बहुत। पंजाब के लोगों को बहुत उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी आएगी, कुछ कुछ विज़न किसी एक चीज़ के ऊपर, कुछ ऐसा आपको लगता है कि ये समस्या है और ये समाधान है? देखिए पंजाब की आप दो तीन बड़ी समस्याएं गिनेंगे तो आज की डेट में पिछले 1.5 साल से जो सारी दुनिया देख रही है वो ये जो खेती कानूनों से पंजाब को नुकसान होने वाला है, पंजाब को क्या सारे देश को होने वाला है, और उसके खिलाफ जो पंजाब के लोग प्रोटेस्ट पर उतरे, धीरे धीरे करके सारा देश इकट्ठा हो गया, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर ये कानून इम्प्लीमेंट हो गए तो पंजाब के एक आम किसान को, देश के एक आम किसान को ये समझ आ चुका है कि ये धीरे धीरे हमारी ज़मीनें खो लेंगे, खींच लेंगे और बड़े कॉरपोरेट्स के हाथ में सब कुछ आ जाएगा। इसी के लिए ये अपना जान की परवाह ना करते हुए पिछले 9 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं।
और पंजाब को मेरे को लगता है एक खेती को नई दिशा देने की ज़रूरत है। किसान बहुत मेहनती कौम है, किसान को अन्नदाता कहते हैं, पर एक डाइवर्सिफिकेशन अगर स्टेट गवर्नमेंट की नीयत इस तरीके की हो जैसे दिल्ली में है, तो खेती में बहुत सारे ऐसी स्कीम्स, फसलों की डाइवर्सिफिकेशन, नई क्रॉप्स और कई तरीके के ऐसे काम जैसे अभी MSP का झगड़ा है, ये सब मेरे को लगता है स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे ही सुलटाया जा सकता था, पर कभी वो विज़न नहीं रहा जैसे दिल्ली गवर्नमेंट का है। ये विज़न आ जाए तो खेती जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है ये MSP देना हमारी लाइबिलिटी है, ये पंजाब की एक एसेट बन सकती है। मतलब अल्टरनेट क्रॉप्स अगर वो पैदा करने लगे, इस तरीके की गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है। पर अल्टरनेट क्रॉप्स का जो आपने विषय उठाया मतलब तो बहुत रेयर हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान कई तो एक ही क्रॉप पूरे साल में बस एक ही क्रॉप करते हैं, बहुत हो गया तो कोई लोग दो करते हैं। जो हमारी हमारा पैटर्न था खेती का कि 3 से 4 क्रॉप निकालना, ये तो बहुत ट्रेंड बचा नहीं। और ये एक रीज़न भी है कि पंजाब से बठिंडा से एक ट्रेन चलती है जिसको हम कैंसर ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का यूज़ इतना ज़्यादा है और उसमें एक क्रॉप रोटेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम फसलों की बुआई और कटाई इस तरह से नहीं हो रही है कि ज़मीन को जो ताकत चाहिए वो पैदा हो सके, वो एक सिस्टम होता था साइंटिफिक। तो कहीं ना कहीं जनमानस में चेतना की, अवेयरनेस की भी कमी है। जहाँ तक मतलब सरकार को बहुत सारा काम इसमें करना था, किसानों के साथ खड़ा होना था। आज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि जहाँ कानूनों को लाकर किसान को बिल्कुल साइड किया जा रहा है और जो कॉरपोरेट कह रहे हैं, जो अम्बानी अडानी कह रहे हैं, उनकी बात को सबसे ऊपर रखा जा रहा है कि भाई किसान का हित का फैसला, वो किसान के हित का वो देखे, हमें तो इनकी सुननी है। अब बिल्कुल आप देखो अगर पिछले 1.5-2 साल के अंदर की सारी कहानी है, कल के दिन ये कानून लेके आए गए थे, जब हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था तब ये कानून प्रेजेंट किए गए थे, और इस कानून के प्रेजेंट होने से पहले ही बड़े बड़े उद्योगपतियों ने वहाँ पर साइलो बना लिए थे जिनके बीच में सीधी ट्रेन जाती है और अनाज लेके बाहर ले जाती है स्टोरेज के, मतलब स्कीम्स किन के कहने पर बनाई जाती हैं ये आप सीधा सीधा आप समझ सकते हैं। एक मेरे को जो समझ आया वहाँ लोगों से बात करके कि ये धान से पंजाब के किसानों को अपना थोड़ा वो जान छुड़वानी पड़ेगी, पहले धान बोते हैं बड़ी मेहनत से, धान पैदा होता है और फिर उसके बाद सरकार के आगे गिड़गिड़ाते हैं भी इसको खरीदो। और धान में क्या है कि पानी बहुत ज़्यादा, तो अब पंजाब में वो पानी का संकट भी धीरे धीरे पैदा होता जा रहा है, वाटर टेबल नीचे जाता जा रहा है। इन क्रॉप से अगर आप देखेंगे, अब शुरुआत की है लोगों ने, अल्टरनेट फसलों की शुरुआत की है, अच्छी कमाई भी हो रही है, सूरजमुखी है, आज सरसों का तेल है, इन चीज़ों पर अगर सरकार, स्टेट गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट लेके और पॉजिटिव तरीके से पॉलिसीज बनाना शुरू कर दे, तो एक तो किसान को अच्छा फसल मिलेगा, अपनी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे, और दूसरा ये जो पानी जैसी ये नेचर से संबंधित पर्यावरण से संबंधित चीज़ें, इनसे भी छुटकारा मिलेगा। क्योंकि पानी कम होता है तो फिर साथ साथ आप देखते हैं एनवायरनमेंट को अपने आप में एक संकट पैदा हो रहा है, पानी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर पराली की बात करें, हम खेती से जुड़ा है, पराली हर साल का संकट है, पहले वहाँ किसान को अगर कुछ ऐसा प्रोविज़न दिया होता, किसान वहाँ पर किसी इस टाइप की इंडस्ट्री को वहाँ प्रमोट किया होता कि जिससे पराली का, जैसे दिल्ली में हमने किया कि दिल्ली सरकार ने अपने लेवल पे पराली के ऊपर घोल मारा और वो पराली खाद बन गई। ये पंजाब में तो बहुत पहले होना चाहिए था, दिल्ली में तो बहुत थोड़े से एरिया में खेती होती है, पंजाब का तो मेन मतलब खेती प्रधान सूबा है और बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल पंजाब में तो मेरे को लगता है दशकों पहले हो जाना चाहिए था, पर जैसा अब लीड कर रही है दिल्ली की गवर्नमेंट, चाहे हमारा प्राइम खेत दिल्ली के लोगों का कोई पेशा नहीं है खेती, पर फिर भी खेती के बीच में एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, तो इस चीज़ से सोच है ना एक सरकार की, सोच है। तो ये चीज़ें जब धीरे धीरे लोगों को मालूम चलती हैं और ये मालूम चलता है कि यार ये सरकार कर तो सकती है, ये करना नहीं चाहते थे हमारे वाले, हमारे से जो हमने आज तक चुन के रखे, तो इन सब चीज़ों को लेकर लोगों का एक माइंडसेट बन चुका है। मेरे को लगता है चाहे वो खेती की बात हो, क्योंकि जब सरकार के नियत में आ गया भी हमने काम करना है, हमने कोई अपने हमारे MLAs ने मंत्रीज ने नशे का कारोबार करके पैसे नहीं कमाने ना हमने कमाने देने, हमारे कोई यहाँ ट्रांसपोर्ट माफिया को सपोर्ट नहीं करना, हमने कोई माइनिंग माफिया को सपोर्ट नहीं करना, बल्कि इन सबको माइनिंग को एसेट बनाकर और उसके टैक्स के पैसे से हमने लोगों की सेवा करनी है, भलाई करनी है, तो कायाकल्प हो सकता है। दिल्ली तो आप जानते हो, दिल्ली में तो दुनिया भर की रिस्ट्रिक्शंस हैं सरकार के ऊपर, उसके बावजूद इतने काम हो रहे हैं। मेरे को ध्यान है, आपको भी ध्यान होगा, ये CCTV कैमरे लगने थे दिल्ली में, 7 दिन 7 रात तक स्टेट का CM, स्टेट के डिप्टी CM,
पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब एलजी के ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं, तब ये कहते थे जी ये तो प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी दिल्ली वालों की, ये रीज़न दिया था। आज मेरे को हमारे थाने के SHO बोलते हैं जी हमारे तो ज़्यादातर केस ही आपके CCTV के कैमरे की बदौलत सोल्व हो रहे हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम हुआ है, बिल्कुल 4% तक कम हुआ, और केसेस जो हो रहे हैं वो क्रैक करने में कितनी हेल्प कर रहे हैं CCTV कैमरा। तो इस विजन वाली सरकार जब आ जाती है तो कायाकल्प हो सकता है, मतलब सपने सच हो सकते हैं। और खुशी की बात यह है कि इस चीज़ को लोग समझ रहे हैं, जितना मर्जी ये मीडिया मैनेजमेंट कर लें, जितना मर्जी ये डरा लें, पर दिल्ली में भी किया ही ना, दिल्ली में बड़े बड़े इनके पार्टी के प्रेसिडेंट साहब तक ले आगे पर्चे बांटे के लिए हमें, पर लोगों को समझ आ चुका है भाई ये काम करने वाले हैं तभी काम के दम पे वोट मांग रहे हैं, और ये जिस दाम पे वोट मांगते हैं ना, जिस नाम पे, उससे काम नहीं होता। हमारे को हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, हमारे को हमारे लिए अच्छा रहना खाना पीना अच्छी जॉब चाहिए, तो इन चीज़ों को लोगों ने चुना दिल्ली के अंदर। तो मेरे को शालीन भाई कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा इसी शरीर में इसी शहर में तीसरा जन्म है। आप सोच सकते हो कोई जब लड़का 15-16 साल का 300 रुपये महीने की नौकरी कर रहा हो तो उसके दिमाग में क्या चलता होगा? सही बात है, तब मेरे दिमाग में बड़ी बात होती है। बिल्कुल, तब मेरे दिमाग में चलता था मैं बड़ा होकर बिजनेसमैन बनूंगा, वो सपना इसी शहर में मेरा सच हुआ। ये दिल्ली की सड़कें सारी आज विटनेस है, मेरे को याद कराती हैं वो सारा समय जब बिजनेस सारा इस्टेब्लिश हो गया, बंदा सोचता है शादी हो जाए, शादी हो गई, घर बन गया, तब मेरे को लगने लगा किसी स्टेज पे आके कि अब मतलब मैं जितना सोचता था सारा हो गया, अब कुछ मेरे को करना चाहिए, समाज के लिए कुछ होना चाहिए। तो फिर ऐसा कुदरत ने एक जरिया बना दिया कि आज आप देख सकते हो वो सपना भी सच हो गया। मतलब आज मतलब ये तो ऐसा हो गया जितना मैंने सोचा भी नहीं था, ये उससे भी ज़्यादा हो गया। तो अब मेरे को कुछ आगे सोचने को नहीं रहा, मेरे को ये लगता है मैं जितना इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ, अब लोगों की सेवा जितनी कर पाऊँ वो कम है। बहुत बढ़िया बात है, नहीं सच में ये इतनी सी उम्र में तो तीन जिंदगियां, तो चलो एक आपने बिल्कुल ठीक बात बोली कि 300 रुपये की सैलरी महीने की सैलरी थी, बिल्कुल 300 रुपये महीने की, 300 रुपये यही 300 रुपये महीने की सैलरी, छाबड़ा रेफ्रिजरेशन मालवी नगर होता था, आज भी है ए ब्लॉक में। और एक शेर है बड़ा शानदार कि शौक होते हैं हर उम्र में जुदा जुदा, पहले खिलौने फिर दोस्त फिर पैसा फिर रुतबा फिर खुदा। तो ये सारे शौक परमेश्वर ने बड़े बखूबी पूरे करवा रहे हैं, और अब तो कोशिश ये भी अपनी तरफ से ज़्यादा हम सर्विस कर पाएँ, जितना लोगों को सर्व कर पाएँ, जितना वापस कर पाएँ वो कम है। नहीं, ये यूथ के लिए बड़ा इंस्पिरेशनल है यार, 300 रुपये महीने की सैलरी से, और बहुत पुरानी बात नहीं, 15 साल यही दिल्ली है 1995। हाँ नहीं, अब तो खैर 25 साल हो गए। हाँ 1995 की बात करें, 25 साल पुरानी बात है, मेरे को खुद एक ही नहीं होता, मेरे को देख के कई बार लोग मतलब 15 साल की उम्र से काम कर रहे बिल्कुल। तो जनरल भाई जब मैं वो सीन मेरे सामने आ रहा है जब आपने बताया कि एक लड़का 18 साल का 19 साल का जो घंटियां बजा के और वैक्यूम क्लीनर बेचा करता था, चंद सालों के बाद उन्हीं दरवाजों पे एक लड़का खड़ा है जिसको MLA की टिकट दी है आम आदमी पार्टी ने, और वो पहला चुनाव जीता, दूसरा जीता, तीसरा जीता। कोई किस्सा, कोई लम्हा जो आपको आज भी याद रहा हो? जी किस्से तो बहुत सारे हैं, और मैं नाम नहीं ले पाऊँगा, नाम लूँगा तो गलत हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे घर, बहुत सारे ऐसे मेरे जानकार जिनके पास, जो मेरे को जानते थे भाई पहले ये हमारे पास वैक्यूम क्लीनर बेचने भी आया, हमारा कभी AC सर्विस करने भी आया, फिर हमने देखा धीरे धीरे ये ग्रो किया, इसने अपना बिजनेस सेट किया। और जब उनके घर में वोट मांगने गया, पार्टी के बारे में बताने गया, तो बड़ा सरप्राइजिंग सा कईयों का रिएक्शन था, भाजी मतलब मैं कहे काम च पै गए हो, मतलब पॉलिटिकल काम या पॉलिटिकल कोई कैंडिडेट आप मान लो, मतलब ऐसे था जैसे कोई मतलब मैं गलत काम में पड़ गया हूँ कि मतलब ये किन कामों केड़े कम च पै गए हो भाजी, चंगा भला काम कर दे सी, तो उनको लग रहा था शायद मैं किसी गलत डायरेक्शन में चला गया हूँ। पर मैं शुक्रगुजार हूँ बाकी सब लोगों ने उन चीज़ों को समझा, कई लोगों ने मजाक भी उड़ाई, पर धीरे धीरे समय ने उन सब चीज़ों का मेरे को लगता है मुंह बंद कर दिया, उन सब लोगों का मुंह बंद कर दिया। आज वही लोग आते हैं, काम बताते हैं, काम करवाते हैं, तो समय से बड़ा कुछ नहीं होता, और आप अगर सच्ची नीयत लेके कुछ करो तो कुदरत भी आपके साथ होती है। हौसले की मिसाल है कि एक 14-15 साल में आप AC असेंबल करना सीख रहे हैं, और 30 साल के अंदर आप MLA के लिए खुद को
तैयार कर रहे हैं बड़ा जज्बा चाहिए होता है, और जब आप MLA के लिए तैयार हुए होंगे बहुत सारा कुछ आपको फाइनेंशियली इकोनॉमिकली आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ा होगा, अपना काम धंधे पे सफ़र किया होगा, तो एक जज्बा तो है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि हर कदम पे एक करेज और जज्बा जो हमने अरविंद जी से सीखा है वही हमारा एक सहारा है, और उसी के बल पे हमारे को, मुझे नहीं लगता कि मतलब यदि मैं देखूं कि सबसे स्ट्रॉन्ग सहारा कौन है हम सब लोगों का इस यात्रा में जिसने हमारा हाथ थाम के रखा हो, तो सबसे बड़ी जो चीज़ है एक परसिवरेंस, पेशेंस और हौसला। करेज के बिना शायद हम रुक जाएंगे। इसके साथ साथ एक रिस्क लेना भी जो सीखा हमने अरविंद जी से, भाई अपनी इतनी बड़ी कमिश्नर की जॉब छोड़ देना और किस काम के लिए, मतलब सिर्फ एक सिस्टम चेंज करना और समाज के लिए कुछ बेहतर करना, इस सोच को लेकर पार्टी तो बहुत बाद में बनी, मतलब आप परिवर्तन के समय से अगर देखें अरविंद जी का तो बहुत बड़ा गली गली जाकर राशन की लड़ाई लड़ रहे, मतलब एक सपना होता है किसी का IAS IRS बनना, उसके बाद आप पहुंच जाओ, सपना ये होता है मेरी बढ़िया जॉब लग जाए, उसके बाद आप नौकरी भी आपको बढ़िया रैंक मिल गया, उसके बाद भी आप छोड़ दो, तो मतलब मेरे को लगता है आज अगर देखते हैं अभी कुदरत ने किसी खास काम के लिए बनाया था, कुदरत में वो सारी एनर्जी भरी थी जिसको उन्होंने एक दुनिया को भी मैसेज दिया। सही बात है। मेरे को याद है मैंने आपको जैसे पहले बताया मैं कभी नहीं सोचता था मैं अपना बिजनेस छोड़ सकता हूँ, कि पहली ईंट से लगा लगा कर एक आपने छोटा सा घर बनाया, तो पता नहीं कहाँ से इतना, मेरे को लगता है अरविंद जी को देख के ये सब एनर्जी हमारे अंदर भी आई होगी कि अगर वो कर सकते हैं तो हमने तो क्या एक थोड़ा सा खाली डेली 2 घंटे की कमिटमेंट की थी जो आगे चल कर ये बदल गई। तो एक रिस्क लेने का जो मेरे को लगता है दम अरविंद जी ने दिखाया उससे भी सबको बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत इंस्पिरेशनल है वो। पंजाब में नशे की समस्या जो है कहीं ना कहीं बहुत डीप है, और उसमें हमें पता है कि दुनिया भर में जितनी अफीम सप्लाई होती है और भारत में जो अफीम सप्लाई आती है उसमें 93% के आसपास अफगानिस्तान के थ्रू रूट होकर आती है, बॉर्डर स्टेट होने की वजह से पंजाब हमेशा से वल्नरेबल रहा है, ससेप्टेबल रहा है। इस पे क्या आपको लगता है कि कहाँ चूक रह जाती है राज्य सरकार से कि पूरे पंजाब में साल भर के अंदर 14,000 करोड़ रुपए की अफीम यूज़ हो जाती है, 14,000 करोड़ रुपए की अफीम पंजाब के बच्चों तक पहुंच रही है और सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी है? बहुत दुखद है, और सरकार अगर चाहती तो ये रुक सकता था, मतलब आज भी आप देखते हो बड़े बड़े पंजाब के जो नेता रहे हैं उनके नाम सीधे इस ड्रग के कारोबार से जुड़ते हैं, और अफीम तो मैं कहता हूँ कि अफीम से बड़े बड़े भी बहुत नशे हैं जिसको एक चिट्टा करके पंजाब में बोला जाता है, वो नशा इतना बर्बादी कर चुका है पंजाब के अंदर। अभी भी किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट दबा कर रखी हुई है, कोर्ट के आदेशों के बाद वो खोल नहीं पा रही, जिसमें एक बिग फिश का नाम है, वो राजनीतिक फिश का नाम होगा बिल्कुल, वो भी पॉलिटिकल लीडर रहे हैं, मंत्री रहे हैं पंजाब के, और वो रिपोर्टें आज तक नहीं खुल पा रही। आज तक इनका सरकार बेशक बदल गई पर आपस में इतना मजबूत ताना बाना है कि ना तो उस नशे के कारोबार को ही ख़त्म कर पा रहे हैं और ना ही उन लोगों को पकड़ के अंदर कर पा रहे हैं। मेरे को लगता है वहाँ अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई होती तो आज ये सब चीज़ें वहाँ पर सुधर चुकी होती, और लोग इस चीज़ को बड़ी बात है कि महसूस कर रहे हैं, और बहुत ज़रूरी है पंजाब को बचाने के लिए एक ऐसे विज़न का वहाँ पर जाना जो, मतलब दिल्ली में भी आप देखते थे ना पहले टैंकर माफिया चल रहा है, फलाना माफिया चल रहा है, सब सरकार की छह पे चलता था, तो ये आज वहाँ आज भी बरकरार है जिसको तोड़ अगर कोई सकता है, क्योंकि कांग्रेस और अकालियों को लोग देख चुके हैं, उनका तो सारा पैदा ही खुद का किया हुआ है, बेहिसाब MLA जिनका नाम शामिल आता है इन स्मगलिंग के मामलों में, ड्रग्स के मामलों में, तो जब तक सरकार की मंशा नहीं होगी, सरकार के खुद के MLA खुद के मिनिस्टर्स लगे होंगे खो इन कारोबार से पैसा बनाने में, तो कहाँ से सुधार होगा। सरकार एक अच्छी विल पावर वाली होना बहुत ज़रूरी है वहाँ पर। और कैडर में जैसे बहुत सारे हम ट्विटर स्पेसेस पर भी अनकही अनफिल्टर्ड के एपिसोड्स के बाद छोटा सा सेशन रखते हैं अपने गेस्ट के साथ उनके समय के मुताबिक, तो वहाँ भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा फीडबैक दिया कि पूरे आम आदमी पार्टी के संगठन में एक इंतज़ार है कि कोई एक फुल स्टेट पार्टी को मिले जिसमें जो विज़न है ऊपर से लेके नीचे तक पहुंच पाए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं कि हम डेली रूटीन में जो चाहते हैं उसमें बहुत कुछ हम कर पा रहे हैं, बहुत कुछ अभी रुका हुआ भी है जी, नहीं पहुंच पाता लोगों तक। तो आपको लगता है कि पहला स्टेट पंजाब होगा?
2022 में? बिल्कुल, मेरे को पूरी तरह से लगता है, और पंजाब संकेत दे चुका है 2017 में। अब अपोजिशन के बाद अगला स्टेप तो फिर आपका सरकार बनने का ही होता है, और जो पंजाब में आज मैं संगठन की पोजीशन देख रहा हूँ बहुत मजबूत है, कैडर बूथ लेवल तक हमारी टीम्स बन चुकी हैं, और सबसे बड़ी बात लोगों का एक बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट, एक जोश लोगों के अंदर है भाई इस बारी केजरीवाल जी का, मतलब यहाँ मॉडल केजरीवाल जी की सरकार यहाँ पर पंजाब में बना रही है। तो जब लोग उठ जाए ना तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। लोग अके पड़े हैं, लोग परेशान हो चुके हैं कांग्रेस से और अकाली दल से, अब वो बदल ढूंढ रहे हैं। और पिछली बार पार्टी पहली बार लड़ी, हालांकि हमारी और बहुत सारे लोगों की उम्मीद थी शायद पहली बार में ही सरकार बन जाएगी, वहाँ भी ऐसा लग रहा था, पर कुछ कमी रह गई, और इस चीज़ का हमारे साथ साथ पंजाब के लोग एहसास कर रहे हैं, ये बड़ी चीज़ है। उसको दूर करने के लिए ठान चुके हैं अभी से, ये बड़ी चीज़ है। और इस इलेक्शन में 2022 के अंदर पंजाब वो पहली स्टेट होगी जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल वहाँ पर काम करेगा, और वो सारे काम वहाँ पर होंगे जो आज तक कोई पार्टी नहीं कर पाई। क्या बात है, कितना ऑफ्टन जाना होता है आपका पंजाब? देखिए, मैंने वहाँ टेम्परेरी रिहाइश रखी हुई है, अब मेरे को कभी अभी जैसे कोई कॉल आ जाए कि शाम को 5 बजे की मीटिंग है, तो मेरे को अब कोई बैग नहीं पैक करना पड़ता, मैं यहीं से गाड़ी उठाऊँगा और सीधा पंजाब पहुँच जाऊँगा, रिहाइश वहाँ पर है। क्या लेवल ऑफ कमिटमेंट है, क्या बात है? कोई मतलब, अब मेरे को लगता है कि जितना पार्टी ने जितना लोगों ने हमें दिया हम तो कुछ भी उस हिसाब से वापस नहीं कर पा रहे, 24 घंटे भी करते रहें तो कम है, और तसल्ली मिलती है, करके ही तसल्ली मिलती है। कभी रास्ते में पार्ट करना होता है? हाँ, मतलब ये तो लाइफ का पार्ट है, और सीखने को बचपन से ही मिल रहा है, सुनने को बचपन से ही मिल रहा है, और कोशिश करते हैं सीखने के साथ साथ उसको मतलब इम्प्लीमेंट करें। जैसे मेरे को बड़ी प्यारी लगती है गुरबाणी की लाइन, मीठत नेवी नानका गुण चंगियाइयां तत्। मतलब अभी भी लोग बोलते ही है ना, मीठा बोलना है, नेवी का मतलब आपने हम्बल रहना है, हम्बल। तो ये चीज़ें गुरबाणी सिखा रही है, जितना कोई सीख जाए, जितना कोई इम्प्लीमेंट कर ले उतना बेहतर है। गुरु दी बाणी, बाणी गुरु, बाणी विच अमृत, बाणी गुरु गुरु है बाणी। क्या बात, और साथ में फरीद साहब की बाणी है, उसमें वो बोलते हैं जी, बताते हैं, फरीदा बुरे का भला कर, गुस्सा मन ना हटाए, क्या बात, देही रोग ना लग गई, पल्ले सब कुछ पाए। मतलब बदले की भावना नहीं रखनी, जो आपके साथ बुरा कर रहा है उसका भी बुरा मत सोचो। तो मेरे को लग रहा है कुदरत सही में आपके अंदर ऐसी अगर पॉजिटिविटी भर देना तो वो तो फिर एक ऐसी अवस्था बन जाती है कि फिर कुछ उसके ऊपर नहीं है। और आपने बाबा फरीद का जिक्र किया, बहुत से लोगों को नहीं पता कि बाबा फरीद एक सूफी संत है, उनकी वाणी को भी गुरुवाणी में स्थान मिला। बिल्कुल, इस चीज़ से भी सीखने की ज़रूरत है कि जहाँ से जो जो अच्छा मिला सारी चीज़ों का एक इकट्ठा करके एक समूह बना के उसका उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ, मतलब दुनिया की इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हुई हैं। आज देखो, आज की ज़रूरत है, कितने साल पहले, कितने सौ साल पहले गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हुआ था, तब भी एनवायरनमेंट की बात की थी, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। क्या बात है ना, आज देखो कितनी ज़रूरत है, आज मतलब हवा को गुरु जैसा दर्जा देने की, इज्जत करने की ज़रूरत है, पानी को बाप जैसी, मतलब पिता जैसी इज्जत देने की ज़रूरत है। आज ये चीज़ें हुए तो आज दिल्ली की आप बात कर लो, पूरी दुनिया को इसकी ज़रूरत है, मतलब इस रीजन की पूरी दुनिया को ज़रूरत है। बिल्कुल, तो ये चीज़ें कई सौ साल पहले हमारे गुरु हमारे महापुरुष बता के गए कि इन चीज़ों को फॉलो करो, और साथ साथ इन्वायरमेंट के साथ साथ हर चीज़ वो आपको जीवन में काम आए, मतलब एक जीने का रास्ता है धर्म, मतलब जीने का एक रास्ता। बिल्कुल, बहुत सुंदर गुरबाणी की पंक्ति है, क्या पढ़िए क्या गुणिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होए, जो सहज ना मिले सोए। मतलब आप सुन लो जितना मर्जी पढ़ लो, पर जब तक उसको इम्प्लीमेंट ना करो तो सहज भाव से इम्प्लीमेंट ना करो। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि आपने कुछ मिनट के लिए पढ़ा तब तक रहा, आपके व्यवहार में सहजता से जब तक वो शामिल नहीं हुआ। तो कोशिश करते रहना चाहिए, मेरे को लगता है हमारे को सब कुछ हमारे कल्चर ने हमारे धर्म ग्रंथों ने बता रखा, सिखा रखा है, बस कोशिश ये है कि हम उसको कितना समझ पाते हैं, उससे कितना सीख के उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। और
जो गुरुवाणी में है वो रामचरित मानस में है, वो भगवद गीता में है, वो कुरान पाक में है। बिल्कुल, सार सबका सबका ही है। और मुझे लगता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल की मूल भावना थी कि हम किसी एक पंथ के साथ नहीं चलेंगे, लेकिन हम सब पंथ को पॉजिटिवली, उसकी एसेंस को सब लोगों तक पहुंचाएंगे और सब धर्मों को अच्छे से प्रमोट करेंगे, इसको यदि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाता, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है, इसको यदि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाता, ना कि राग द्वेष में दुनिया को बांट के एक दूसरे से लड़ा के अपने वोट बैंक को इंटैक्ट करना पोलराइज करके, तो आज देश की सूरत कुछ डिफरेंट होती। और उसमें कोई एक पार्टी का नाम लेना, कोई एक संगठन का नाम लेना, ये सब ने इसमें इस तालाब को गंदा किया। बिल्कुल। अच्छा, और मज़े की बात आप देखिए, जो धर्म है वो धर्म भी धर्म निरपेक्षता ही समझा रहे हैं, पर परेशानी की बात ये बन चुकी है कि लोग उस धर्म के नाम पर ही बांटे जा रहे हैं और लड़ी जा रहे हैं। जो धर्म कह रहा भी मिलके रहो, प्यार से रहो, सब एक ही परमेश्वर के हम बच्चे हैं, लोग उस धर्म के नाम पर एक दूसरे को काटते हैं, लड़ते हैं, मारते हैं, वो परेशानी होती है वो सब देख कर। और शुरुआत आप देखोगे जपजी साहिब की, एक ओंकार से बात कर रहे हैं, एक ओंकार सतनाम, और ईशावास्य उपनिषद में ईशावास्य मिदम सर्वम यत किंचन जगत याम जगत ला अल्लाह इल्लल्लाह, तो सब यही कह रहे हैं कि ईश्वर के सिवा कहीं कुछ और नहीं है और हम सब उस ईश्वर से ही उपजे हैं। इस एसेंस को पहुंचाने के लिए भी मुझे लगता है आप जैसे लीडर्स, आप जैसे स्पिरिचुअल लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में, रोज़मर्रा की जिंदगी में कर्मयोग के थ्रू देश को बदलने का बीड़ा उठाया, हम सबको मिलके ये एग्जांपल सेट करने पड़ेंगे। नहीं तो हमारा वो ही हाल होगा जो दूसरे देशों का हम देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है किसी भी MLA से हो, किसी कार्यकर्ता से हो, मेरी जीवन की एक हर हफ्ते का एक, भले इस एपिसोड सीरीज़ के माध्यम से ही सही, मेरा एक स्केड्यूल में आ चुका है कि आप जैसे यार मित्रों से मिलना बैठना हो रहा है और लगभग हर हफ्ते हो रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे लगता है कि बहुत लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा और आगे आने वाले जनरेशन्स में यह एक आर्काइव की तरह रहने वाला है कि ये लोग कौन थे जिन्होंने राजनीतिक बदलने का बीड़ा उठाया। मैंने एक सपना देखा था आंदोलन के समय पे कि एक किताब लिखूंगा आंदोलन को लेकर। क्या बात है। शुरुआत की भी थी, डायरी में कुछ कुछ लिखना शुरू किया था। एक मीटिंग के अंदर, छतरपुर में एक मीटिंग हो रही थी, आध्यात्मिक साधना केंद्र है वहाँ पर, वहाँ पर एक मीटिंग में स्वाति मालीवाल मीटिंग ले रही थी और हम लोग सब बैठे थे, उसमें किसी ने वो मुझे 2 मिनट पढ़ने के लिए मांगी और वो गायब हो गई। वो सपना वहीं छूट गया, उसके बाद कभी दोबारा हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उसको शुरू किया जाए। तो एक ये डॉक्यूमेंट है जो एक आर्काइव की तरह हमारे साथ रहने वाला है, भले इसमें हम सब लोगों को शामिल ना कर पाएँ, इसमें हज़ारों हज़ारों ऐसी गाथाएँ हैं आंदोलन की जिसने बदलाव की नींव रखी, लेकिन कुछ एक कहानियाँ जो हम लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं। और ट्विटर पर भी हम स्पेसेस करेंगे जिससे और दूसरी तरफ से भी बहुत सारी कहानियाँ हम तक पहुँचे और इस यात्रा को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। आज आपको लोकेशन हमारी कैसी लगी? मैं शारिद भाई लोकेशन का जिक्र करने ही वाला था। कर ही दो बस। मतलब मैं तो एक तो आपका मैंने को धन्यवाद करना था भी, आपने मेरे को मौका दिया। अरे सर, आपके इस इंटरव्यू में, स्पेशल अन कहीं में। और दूसरा मेरे को धन्यवाद करना था कि मैं बड़ी मुद्दत से सोच रहा था कि मैं कहीं बैठूँ, ऐसी लोकेशन पर जाके मिल ही नहीं रही थी, तो इसके लिए आपका डबल थैंकफुल हूँ मैं कि एक ऐसी लोकेशन जो सही में आपको एक बार कहते हैं ना डिस्कनेक्ट कर देती है, डिस्कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो आपने आज ये डिस्कनेक्ट करके जो मेरे को एक फील दी है, इसके लिए शुक्रगुजार आपका मैं हमेशा रहने वाला हूँ। अभी यहीं बैठ के नाश्ता भी करेंगे। आज आज तो लाइन लगानी पड़ेगी आपके धन्यवादों की मेरे को। और बहुत मतलब मैं एक्साइटेड था मैंने जब आपका देखा, मैंने सौरभ भाई का, मैंने आतिशी जी का, उसके बाद दिलीप भाई का, बहुत सारे आपने एपिसोड किए, तो हर बारी मेरी भी इच्छा होती थी कि आपके इस एपिसोड में कुछ यूनिकनेस है, कि कोई मतलब इसमें फॉर्मेलिटी नहीं है, जो दिल में आ रहा है आप बोल सकते हो, कुछ सोच के नहीं बोलना, मैं कुछ प्लान करके नहीं आया था, मेरे को नहीं मालूम था आप क्या पूछने वाले हो, पर जिस एमबीएस में आपने आज बातचीत की ये सारी ज़िंदगी याद रहने वाला है, मज़ेदार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, आप सबका भी बहुत शुक्रिया जो लोग इसमें साथ देते हो हमारा। हाँ, सारे टीम मेम्बर्स का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत अच्छा आपने शूट किया, और शालीन भाई का स्पेशली मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ भी आप कर, तो मेरे को मालूम है ये आप शौक से रहे हो, पैशन से रहे हो, पर इसमें भी आपको खूब
कामयाबी मिले, यही मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। तो आज हम छोले कुलचे खाने वाले हैं। बिल्कुल, चलिए सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।